श्री 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 रेणुका यल्लम्मा माता का महोत्सव उनके मंदिर निर्माण के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस महोत्सव की शुरुआत आंध्रा स्कूल से शोभा यात्रा निकालकर की गई, जो माता के नवनिर्मित मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। सर्वप्रथम माता की पूजा पूरे श्रद्धा से भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुओं ने आकर की, फिर माता का आशीर्वाद भी लिया। श्री 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 माता रेणुका यल्लम्मा देवी उत्सव समिति ने सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, लोक कल्याण हो, कोविड-19 से पूरे विश्व की मुक्ति हो, इसी मनोकामना के साथ यह आयोजन किया। साथ ही प्रवासी आंध्रा निवासियों को एक विशेष महोत्सव पर अपने प्रदेश व घर न जा पाने के दुखों को कम करने का भी प्रयास किया। इस विशेष महोत्सव के उपलक्ष पर श्री 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 माता रेणुका यल्लम्मा देवी की शोभा यात्रा श्रद्धालुओं ने निकाली। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आयोजनकर्ताओं द्वारा न्यूज टीम को जानकारी दी गई कि श्री 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 माता रेणुका यल्लम्मा देवी का यह महोत्सव आंध्र प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और विगत 2 वर्षों से कोविड की मार झेल रहे परिवारों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह आंध्र प्रदेश में होने वाले इस महोत्सव में शामिल होने जा सके। इसी को देखते हुए समिति द्वारा माता का यह महोत्सव भिलाई में आयोजित किया गया, क्योंकि श्री 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 माता रेणुका यल्लम्मा देवी का मंदिर भी अब निर्मित हो चुका है, जिसके चलते यह आयोजन करना अनिवार्य भी था। श्री श्री माँ मंगनामा देवी का संरक्षक हूँ बी दिलीप कुमार, जो इस साल का प्रथम वर्ष हमारा पूजा, जो इससे पहले 60 वर्षों से मंगनामा मंदिर के प्रांगण में इस बार मंदिर का उद्घाटन किया गया और इस बार प्रथम वर्ष के सौभाग्य पे सब भक्तजनों को और श्रीगण सज्जन आके इस पूजा को व्यक्त किए हैं। आभार व्यक्त कर रहा हूँ उनका, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे महासचिव और एवं हमारे व्यवस्थापक और ये संस्थापक जी एम जगपति राव जी हैं इस कार्यक्रम के, और हमारे पूर्व सभापति जी श्री श्याम सुंदर जी राव जी इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। श्री श्री माँ रेणुका यल्लम्मा देवी की समिति के मैं व्यवस्थापक हूँ। इस मंदिर का उद्देश्य ये है कि हमारे संस्थापक श्री एम जगपति राव गत वर्ष आधे में बना हुआ था मंदिर, उसको अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर सभी लोगों के सहयोग से यह मंदिर गत वर्ष पूर्ण किया गया। आज इस वर्ष को हम लोग महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, ताकि कुछ लोग, ये माता जी जो पलासा में स्थित है, उस कई लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाता वहाँ जाने का, इस उद्देश्य से क्या यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को रखा गया, ताकि वो लोग भी आके यहाँ पर माता जी का दर्शन करें और इस कार्यक्रम को भी सफल बना, उनको माता जी का आशीर्वाद मिल सके। ये भैया हम लोग मतलब प्रवास आंध्रा से अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत आयात में यहाँ पे दुर्ग भिलाई में निवासरत है, तो हम सबका यहाँ पे कुल देवी के रूप में रेणुका यल्लम्मा को मानते हैं। ये पलासा में एक इनका भव्य मंदिर है और इस माता का मतलब मूल स्वरूप मतलब हम लोग सांप को मानते हैं, तो उसी देवी को मतलब सांप को देवी के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। तो उस उद्देश्य से क्या है कि यहाँ पे जो बसे लोग अपने किसी कारणवश जो इस देवी का हर साल शिवरात्रि के अवसर, पिछले बार कुछ युवा साथी मिलकर उस मंदिर को स्थापना करके मतलब पूर्ण करके आज मतलब पहला वर्ष इस बार जो उस कार्यक्रम को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें बहुत आयत में आपने अभी टीवी में लोगों को मतलब दिखाया है, बहुत आयत में यहाँ के लोग जो तेलुगु भाषी लोग वहाँ पर इस देवी को मानने वाले यहाँ उपस्थित होकर अपना आराध्य देवी को पूजा पाठ करके अपना श्रद्धा अर्पित करने आए हैं, क्योंकि माता का जो आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और यूँ ही जो आप सभी मीडिया के लोग और जो लोग देख रहे हम सभी से सभी के लिए माता जी से का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा मतलब ये निवेदन करते हुए हम सभी से आग्रह करते हैं कि इस साल के बाद अगले साल भी होगा आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर, क्योंकि अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, लोग उपस्थित होकर ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये कार्यक्रम होने के बाद भंडारा भी बड़ा भंडारा है जो प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा, आप सभी उपस्थित होकर माता जी का प्रसाद ग्रहण करके और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हुए।
शहर वासियों के लिए माता जी से क्या मनोकामना करते हैं? शहर वासियों से माता जी से यही कामना करते हैं, क्योंकि अभी हम सभी कोविड जैसे महारूपी एक भयंकर व्याधि से हम सभी अभी अभी निकल रहे हैं। माता जी से ये अनुरोध करते हैं कि हम सभी नगर के वासियों से और समस्त भारतवासियों को आपकी कृपा दृष्टि बने रहे, हम सभी स्वस्थ और दीर्घायु रहे, यही आशीर्वाद माता जी का हम सभी शहरवासियों पे बने रहे, यही कामना करते हुए। रंजन सिंह, वार्ड 29 से। आज माता श्री 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 रेणुका रेणुका माता यलम्मा जी का आज धूमधाम से यहाँ पे स्थापना किया गया है, और विंदानगर वार्ड से पूरी जनता पूरी पब्लिक निकलकर माता का आशीर्वाद के लिए जौहर नगर में गए हैं। और ये जो त्यौहार है ये विशाखा के प्लासा में कुल देवती हैं, उनको वहाँ ना लोग जा पाते हैं, इसलिए भिलाई में इसकी स्थापना की गई है, और कि लोग यहाँ पे भी उनका पूजा कर सकें। क्या मनोकामना है माता जी से? माता जी से मनोकामना है कि जितने भी लोग हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो और स्वस्थ रहें, निर्भयो रहें और काम उनका अच्छा चलते रहे। श्री 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 माता रेणुका यलम्मा देवी के इस महोत्सव में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे प्रवासी आंध्रा समाज के लोगों ने हिस्सा लिया, साथ ही अन्य समाज के लोगों ने भी माता के चरणों में अपना शीश नवाया और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।